गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, गुड मॉर्निंग। फॉरजी नर्सिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल अपने कुछ एमसीक्यूज पढ़े थे, उसके बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट आज फिर अपने स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। कहाँ तक पढ़ लिया था अपने? देखिए 28 कर लिया था, 29 कर लिया था, 30 कर लिया था। देखिए जहाँ पे मैंने कल थोड़ा सा कैथेटर बोल दिया था, उसके स्थान पर आपको कैनूला करना है, ठीक है? यहाँ से चलेंगे अपन, ठीक है? मोस्ट कॉमन टाइप मैंने बता दिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया कौन सा होता है? ए, जिसको अपने बोलते हैं क्लासिकल हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? क्लासिकल हीमोफीलिया। बी कौन से की? क्रिसमस की, नाइन की, नाइन क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से। और सी होता है क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 44 नंबर है, पेशेंट हैज़ ए डीवीटी एंड ट्रीटमेंट यूज ऑफ हीपेरिन इन्फ्यूज़न, एपीपीटी टाइम इन 64 सेकेंड, नर्स नेक्स्ट एक्शन। नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? एक्शन क्या रहेगा? तो देखिए इसमें आपको याद रखने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि वारफेरिन और हीपेरिन है क्या, वो मैं बताता हूँ आपको, सुनिएगा। देखिए वारफेरिन और हीपेरिन दोनों क्या है? एंटी कोआगुलेंट। क्या है? एंटी कोआगुलेंट है। देखिए जो हीपेरिन और वारफेरिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट है। एक साइड में मैं लिख रहा हूँ वारफेरिन और एक साइड में मैंने लिख दिया हीपेरिन। क्लियर है? अब देखिए वारफेरिन और हीपेरिन ये एक्शन कैसे करते हैं? ये 27,910 को इनहिबिट करता है। 27,910 क्या है? 27,910 क्या है? अरे बोलो, क्लॉटिंग फैक्टर। उनको इनहिबिट करने का काम करता है। और 27,910 को इनहिबिट करता है, ठीक है? इसलिए ये दोनों क्या है? एंटी कोआगुलेंट है। और हीपेरिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन इनहिबिट करेगा तो फाइब्रिनोजन इज नॉट कन्वर्ट इनटू द फाइब्रिन। क्लियर है? यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन काम इसको इनहिबिट कर देंगे तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपनी चर्चा करते हैं कि भाई किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रही है, क्या चल रही है? वारफेरिन चल रही है। तो देखिए जो एपीपीटी टाइम है, नॉर्मल जो होता है पीटी टाइम 12 से 16 सेकेंड, कितना? 12 से 16 सेकेंड। और जबकि एपीपीटी टाइम होता है 20 से 36 सेकेंड, या कई बुकों में 25 से 26 के अंदर इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, और दूसरा क्या? पीटी टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको चेक करना है। क्लियर है? और हीपेरिन यदि किसी पेशेंट को चल रही है तो एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको चेक करना है। देखिए वारफेरिन चल रही है तो पेशेंट के अंदर जो पीटी है वो कितना पहुंच जाएगा? 20 से 24 सेकंड के आसपास, 20 से 24 सेकंड हो जाएगा। और जबकि हीपेरिन किसी पेशेंट के अंदर चल रही है तो एपीपीटी कितना हो जाएगा? 60 से 80 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 से 80 सेकंड हो जाएगा। दोबारा देखिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ कि किसी पेशेंट को वारफेरिन चल रही है तो आपको पीटी टाइम मिलेगा 20 से 24 सेकंड, और जबकि हीपेरिन चल रही है तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हीपेरिन चल रही है तो 60 से 80 सेकंड। अब देखिएगा, अब एग्जामिनर पूछेगा कि किसी पेशेंट के अंदर क्या चल रही है? वारफेरिन चल रही है, वारफेरिन चल रही है, और उसके अंदर पीटी टाइम आपको क्या मिल रहा है? 20 सेकंड से कम मिल रहा है, तो आपको वारफेरिन की डोज को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और जबकि यदि क्या हो रहा है, यदि क्या है, 24 सेकंड से क्या मिल रहा है? पीटी टाइम ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको वारफेरिन की डोज को क्या करना पड़ेगा? कम करने पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ब्लीडिंग प्रिकॉशन कब स्टार्ट कर देने हैं? जब क्या हो पीटी टाइम, जब क्या हो प्रोथ्रोम्बिन टाइम मोर देन 30 सेकंड हो जाए, तो आपको क्या कर देना है? ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिएगा, हिपेरिन की बात कर रहे थे, हिपेरिन में एपीपीटी कितना हो जाएगा, 60 से 80 सेकंड, इसी तरह करते हैं, हिपेरिन चल रही है तो। अभी देखिएगा यदि 60 सेकंड से कम आ रहा है एपीपीटी हिपेरिन चलने पे, तो आपको हिपेरिन की डोज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और जबकि को इन्फ्यूजन को, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीबीटी ट्रीटमेंट हिपेरिन इन्फ्यूजन एपीपीटी 64 आ रहा है, तो देखिए 60 से 80 के बीच में आ रहा है, तो क्या करना, नथिंग चेंज इन द नीड फ्लो, ये दैट इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट वी स्टार्ट द, ए पेशेंट इज रिसीविंग हिपेरिन एपीपीटी शुड बी कीप अटेंड स्टार्टिंग ब्लीडिंग। देखिए ये क्या कर रहा है, पेशेंट के अंदर हिपेरिन चल रही है, एपीपीटी टाइम कितना पहुंच जाए कि आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशन अटेंशन रखना है। देखिए मोर देन 90 सेकेंड और सनबॉक्स से 88 से ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या कर देना है, ब्लीडिंग प्रिकॉशन स्टार्ट कर देने हैं, ये भी आपको याद रखना है। कैलोरी इनटेक ऑफ वन ईयर चाइल्ड पर किलो कैलोरी, ये आपको ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करने हैं सारे, इन्फेंट के लिए, ठीक है, चाइल्ड के लिए कितना है, इन्फेंट के लिए कितना है, टॉडलर के लिए कितना है, ये सारा आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर सुप्राविकुलर टेकेकार्डिया, एमियाडेरोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द सुप्राविकुलर टेकेकार्डिया। इसके अलावा एडिनोसिन भी संभव से, एडिनोसिन एमियाडेरोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द सुप्राविकुलर टेकेकार्डिया, ठीक है, एमियाडेरोन देते हैं, एडिनोसिन भी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन मोस्टली एमियाडेरोन ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। ब्लड स्टोरेज टेम्परेचर, ब्लड को स्टोर कितने पे करते हैं, ब्लड को स्टोर कितने पे करते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ जो मेन आपको याद रखना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या रहेगा, एक्यूरेट ऑप्शन रहेगा, क्लियर है। ब्लड को स्टोर करना 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से आपसे पूछा जाता है कि बीसीजी को कितने ठीक है। देखिए विच ड्रग एक्सपेक्ट टू ब्लॉकिंग द रीअपटेक ऑफ 5-HT, 5-HT को ब्लॉक करने वाला एक्सपेक्ट विच ड्रग एक्सपेक्ट द 5-HT सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ड्रग कौन सी है, तो देखिए सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कौन सी होगी, एंटी डिप्रेशन ड्रग कौन सी है इसमें से, देखिए एमीट्रिप्टिलिन, एमिप्रामिन, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ड्रग है, फ्लूजेटीन SSRI है, तो SSRI क्या होती है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI ड्रग है ये, और ये एंटी मैनिक ड्रग है लिथियम, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्लूजेटीन, क्लियर है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, व्हेन अ चाइल्ड इज यूनिलैटरल निमोनिया विच इज मोस्ट कंफर्ट पोजीशन शुड बी गिवन। यूनिलैटरल निमोनिया हो गया है तो मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होगी पेशेंट के अंदर, देखिए एक तो निमेक्टोमी और दूसरा यूनिलैटरल निमोनिया, एक साइड का निमोनिया हो गया, तो आपको पेशेंट को अफेक्टेड साइड रखना है, और दूसरी साइड से क्या लेता रहेगा पेशेंट क्या है, ब्रीथिंग करता रहेगा, तो अफेक्टेड साइड, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इफ़ द 1 यूनिट RBC ट्रांसफ्यूजन द क्लाइंट हीमोक्रेट वैल्यू क्या बोलते हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं, और ये कितनी बड़ी हुई मिलेगी, 2 से 3% आपको इंक्रीज मिलेगी एक यूनिट के अंदर हीमोक्रेट वॉल्यू कितनी बढ़ती है, 2 से 3% बढ़ती है, राइट आंसर क्या होगा, 2 से 3। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन इंच, तो यहाँ पे 3 इंच ऑप्शन नहीं है, तो 4 इंच आप जाओगे, ठीक है, 3 इंच आपको लुब्रिकेट करना है यूरिनरी कैथेटर को फीमेल के अंदर इंसर्ट करने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस 3rd डिग्री सिफिलिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रोकैन पेनिसिलिन, कौन सी होती है, देखिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोकैन पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन सिफिलिस, ठीक है, और बेंजाथिन पेनिसिलिन आपको पता है, बेंजाथिन
रिमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है, रिमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेंजाथीन पेनिसिलिन, लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है। उसके बाद में एक्सीडेंटली ओवरडोज ऑफ इनॉक्सापेरिन विच इज विच एंटीडोट शुड बी गिवन। देखिए इनॉक्सापेरिन और डेल्टापेरिन इनॉक्सापेरिन ये क्या है, दोनों क्या है, ये टाइप है किसके, हिपेरिन के टाइप है, लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन है ये। और हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है ये पूछा है, तो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, प्रोटामाइन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम ग्लूकानेट का एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट, विटामिन के किसका होता है, वारफेरिन का। क्लियर है भैया। नेक्स्ट बात करते हैं, कोलोस्टोमी ट्यूब शुड बी इरीगेशन इंसर्टेड अप टू द, कितना कोलोस्टोमी ट्यूब को इरीगेशन करते हैं, कोलोस्टोमी ट्यूब फॉर इरीगेशन इंसर्ट अप द स्टोमा, स्टोमा के अंदर कितना इंसर्ट करते हैं, 3 से 4 इंच करते हैं, या इसको 10 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, 4 इंच कितना रहेगा, 3 से 4 इंच। नेक्स्ट देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस इन MI मायोकार्डियल इन्फारक्शन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, मॉर्फिन होती है, क्योंकि ये ऑटो डिमांड को पूरी करती है और पेन को भी। STLFDR के अंदर कौन सी देते हैं, सोनम, और जबकि इसके अंदर क्या देते हैं, मोना। SA स्ट्रेप्टोकाइनेज, O से O2 थेरेपी, N से नाइट्रोग्लिसरील, A से एस्पिरिन, M से मॉर्फिन। इधर मॉर्फिन, O2 नाइट्रोग्लिसरील और एस्पिरिन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज को विद इन सिक्स आवर आइडली यूज करते हैं MI के अटैक के और फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द MI पेशेंट O2 थेरेपी, ठीक है, ये भी एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछा। हिस्टीरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, SSRI देते हैं हिस्टीरिया के अंदर, सारे जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इंपॉर्टेंट बात देखिए, न्यूरोटिक डिसऑर्डर जो है जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमा नर्वोसा, OCD, हिस्टीरिया, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, इनके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है फ्लूजेटिन। कौन सी रहती है, फ्लूजेटिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। ये फ्लूजेटिन कहाँ पे गई भाई, SSRI है, SSRI में क्या आती है, फ्लूजेटिन और सरडेरेलिन आती है, ठीक है, ये ड्रग आती है। तो यहाँ पे क्या देंगे, अपने SSRI देंगे। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्यूट गॉट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, देखिए कुछ सम बुक से द कोल्चिसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ये प्रीवियसली थी, ये लीवर को डैमेज करने लिए इसलिए बंद कर दी है। अभी जो ड्रग ऑफ चॉइस चल रहा है एक्यूट गॉट के अंदर वो चल रहा है इंडोमेथासिन। कौन सी, इंडोमेथासिन इज ड्रग ऑफ चॉइस ऑल्सो यूज इन द PDA पैटर्न डक्टस आर्टिसिस के अंदर भी क्या देते हैं, इंडोमेथासिन देते हैं, और पैटर्न डक्टस आर्टिसिस को खुला रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं, ठीक है। उसके बाद में फैकोमेलिया किसके द्वारा होता है, देखिए ऑप्शन में थैलेडोमाइड नहीं है, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो फैकोमेलिया थैलेडोमाइड के लिथियम की वजह से, देखिए फिनोटोइन की वजह से फेटल हाइडेंटिन सिंड्रोम, दैट इज द टेराटोजेनिक इफेक्ट, फेटल हाइडेंटिन सिंड्रोम दैट इज द फिनोटोइन टेराटोजेनिक इफेक्ट, फेटल हाइडेंटिन सिंड्रोम, क्लियर। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट कब करते हैं इसकी सर्जरी, 3 to 6 months और जबकि 6 से 24 months, लेकिन यहाँ पे याद रखना है 15 से 18 months क्लेफ्ट प्लेट, ठीक है, क्लियर है भैया। ये हो गया फेनाटोइन का, हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हो गया लिथियम कार्बोनेट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज द लिथियम कार्बोनेट इट इज ऑल्सो क्लियर भैया, थैंक यू। एक मिनट आप देखिए, फैकोमेलिया की बात कर रहा था मैं, फैकोमेलिया इज कॉज बाय द थैलेडोमाइड ड्रग की वजह से होता है, और यहाँ पे जो फैकोमेलिया होता है उसका दूसरा नाम सीलिम बोलते हैं उसको, सीलिम, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। देखिए सीलिम लाइक दिस, बच्चा कछुआ जैसा हो जाएगा, जैसे जो क्या नहीं बनेगी, भुजाएं नहीं बनेंगी, एक्सट्रीमिटीज नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये क्या है, फैको
में लिया। क्लियर है? अभी मैं बता रहा था आपको टेट्रासाइक्लिन का साइड इफेक्ट क्या होता है। टेट्रासाइक्लिन का अभी बता दिया, डेंटिशन प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में गम हाइपरप्लेजिया एंड गम ब्लीडिंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ, ये एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, साइड इफेक्ट है फिनेटोइन का साइड इफेक्ट है क्या, साइड इफेक्ट क्या है, गम हाइपरप्लेजिया और गम ब्लीडिंग, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का मैंने बता ही दिया, टेराटोजेनिक इफेक्ट, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट प्लेट, लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता ही है, और टेट्रासाइक्लिन भी मैंने बताया था। नेक्स्ट देखिए, गायनेकोमेस्टिया कॉज बाय द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट, कौन सी ड्रग है जो गायनेकोमेस्टिया कॉज नहीं करती। अभी मैंने डिस्को बताया था, आपको याद आ रहा हो तो डिस्को बताया था। डिस्को में आपको मैंने बताया था डिजॉक्सिन, आइसोनियाजाइड, स्पायरोनोलैक्टोन, ऑस्मेटिडिन और एस्ट्रोजन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं करती गायनेकोमेस्टिया कॉज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। बहुत ही आपको क्लियरली पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। सारे ऑप्शन यदि आप एलिमिनेशन राउंड में जाते हो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ HIV विच ड्रग। वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र होने से बचाने के लिए कौन से ड्रग देते हैं एच आई वी न हो बच्चे को, तो कौन सी देते हैं, नावीरेपाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। नावीरेपाइन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ द HIV, ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ द एटीपिकल क्लोनजेपाइन का साइड इफेक्ट क्या है, क्लोनजेपाइन का साइड इफेक्ट है डिक्रीज WBC, क्या है, डिक्रीज WBC द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोनजेपाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, मैक्सिमम EPS सिम्टम कौन सा है, तो मैंने पहले बता दिया था एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम सबसे ज़्यादा कौन से आते हैं, पाँच प्रकार के बताए, सीडो पार्किंसनिज्म, एकथेशिया, डिस्टोनिया के बाद में मैंने बताया था आपको टार्डिव डिस्कनीशिया, और लास्ट क्या बताया था, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एकथेशिया, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव बताया था ना मैंने, स्ट्रॉन्ग अर्ज टू मूव, और इसके अलावा वॉकिंग टॉकिंग, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ड्रग ऑफ चॉइस इन द साइकोटिक इंड्यूस पार्किंसनिज्म, पेशेंट को साइकोटिक ड्रग की वजह से तो पार्किंसनिज्म के अंदर, तो आपको पता है डोपामिन का लेवल कम है, तो साइकोटिक ड्रग क्या करती है, डोपामिन के लेवल को कम करती है, और पार्किंसनिज्म में भी क्या होता है, डोपामिन का लेवल कम होता है। तो अभी देखिएगा, इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहती है बेंजेक्सोल, कौन सी रहती है, बेंजेक्सोल इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द साइकोटिक इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, क्लियर है भैया। डेंटेरोलिन सोडियम और यहाँ पे बेंजेक्सोल मैंने बता दिया आपको, साइकोटेड और डेंटेरोलिन सोडियम अपने देते हैं एनएमएस के अंदर, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के अंदर देते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। अभी देखिएगा नेक्स्ट, अस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, देखिए दो प्रकार की अस्थमा, एक्यूट अस्थमा एंड क्रॉनिक अस्थमा। एक्यूट अस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सालबुटामोल, और क्रॉनिक अस्थमा के अंदर सालमेट्रोल, कौन सी, सालमेट्रोल। ये दोनों क्या है, बीटा टू एगोनिस्ट ड्रग है कौन सी, बीटा टू शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में सालबुटामोल आ गई, और इधर कौन सी आ गई, सालमेट्रोल, ठीक है, फार्मेट्रोल। ये जो ड्रग है वो क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, बीटा टू रिसेप्टर है, रिसेप्टर के अलग से चैप्टर बताऊंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा। तो बीटा टू एगोनिस्ट का एग्जांपल है, अभी पूछ लिया इसने एग्जांपल है, तो आपको मैंने बता दिया था बीटा टू एगोनिस्ट का एग्जांपल है सालमेट्रोल, कौन सा है, सालमेट्रोल, ठीक है। सालमेट्रोल इज द एग्जांपल ऑफ बीटा टू एगोनिस्ट, ठीक है। एटिनोल बीटा ब्लॉकर है या
ताश में वो कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर होती है, ठीक है, अम्लोडिपिन। नेक्स्ट देखिएगा, एक्यूट अस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस साल बुटामो, और जबकि क्रॉनिक अस्थमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस साल मेट्रोल। कौन सी है? साल मेट्रोल, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोविंग आर द प्रो ड्रग एक्सेप्ट। देखिए प्रो ड्रग कौन सी नहीं है, प्रो ड्रग होती है जो मेटाबॉलिज्म से पहले इनएक्टिवेट और मेटाबॉलिज्म के बाद में क्या होती है, एक्टिव होती है, उनको प्रो ड्रग बोलते हैं। तो प्रो ड्रग कौन सी होती है वो बात करते हैं, एमएलए, एमपी, डीएसपी, ये सारे क्या होते हैं, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे डीएसपी हो, ये सारे क्या होते हैं, फैक पर्सन होते हैं। क्या होते हैं? फैक पर्सन होते हैं। तो याद रखने का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एम से मिथाइल डोपा, क्या मिथाइल डोपा इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन, अरे बोलो, मिथाइल डोपा आप दे सकते हो ड्रग ऑफ चॉइस जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। इसके अलावा प्री क्लेम्सिया के अंदर भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, सीवियर प्री क्लेम्सिया के अंदर आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो, ठीक है। और दूसरी होगी दूसरी है लिवरडोपा। कौन सी है? लिवरडोपा, कार्बिडोपा, पार्किंसोनिज्म डिजीज। तीसरी आ गई ए सी इनिबिटर, जिनके आगे पिल लगा होता है, ये सारी क्या होती है, जैसे पिल कौन कौन सी होती है ड्रग, ए सी इनिबिटर ड्रग्स, इनालाप्रिल, ये एसी इनहिबिटर होती है, ठीक है। प्रो ड्रग कौन कौन सी है मैंने बता रहा था, एमएलए, एमपी, डीएसपी, ये सारे फेक पर्सन हैं। एमएलए में मैंने बता दिया, एमए का बता दिया मिथाइल डोपा, लिवोडोपा, एसी इनहिबिटर, मिनोक्सिडिल इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन, मिनोक्सिडिल, जिनके हेयर लॉस रहते हैं, बाल नहीं आते, हेयर ग्रोथ के लिए मिनोक्सिडिल देते हैं। प्रोगुआनिल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सॉरी प्रोगुआनिल इज द एंटी कैंसर ड्रग, प्रोगुआनिल इज द एंटी कैंसर ड्रग। एमएलए, एमपी, डीएसपी, एस से आगे सल्फा सेलाजाइन, यहाँ पे आ गई प्रेडनोसोलोन। प्रेडनोसोलोन क्या है? कोर्टिकोस्टेरॉइड है, प्रोगोनल एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है। और फैक पर्सन फ्लूडेनिक, एफ से आ जाएगा, फैक पर्सन पे आएगा फ्लूडेनिक एसिड, और पी से आ जाएगा पर्सन से प्रो ड्रग, क्या आ जाएगा, प्रो ड्रग, ठीक है। ये होगी अपने क्या सारी। तो इसमें देखिएगा, कैप्टोप्रिल, प्रोगुआनिल है, लिवोडोपा भी है, ये एसिटाइल सेलिसाइक्लिक नहीं है, तो ये क्या होगी, ये प्रोड्रग नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक आपको नहीं बताया, मैंने एमएलए बता दिया था, एमपी बता दिया था, डीएसपी बता दिया था, ठीक है। तो मिथाइलडोपा, लिवोडोपा, एसी इनहिबिटर, मिनोक्सिडिल, प्रोगुआनिल, डीपी वैफरीन आएगा यहाँ पे, डीपी वैफरीन थैलेसीमिया और ग्लूकोमा के अंदर, सल्फा सेलाजाइन और प्रोड्रग, ठीक है। देखो जीएटी के कौन से पार्ट पे होता है, आयरन का सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन जीएटी के कौन से पार्ट पे होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के फर्स्ट पार्ट पे आयरन का सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन होता है। और जबकि विटामिन बीट वाला, दैट इज़ द साइनोकोबालामीन, जिसको अपने साइनोकोबालामीन बोलते हैं, उसका होता है टर्मिनल पार्ट ऑफ द इलियम, ईलियम में सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्प्शन विटामिन बी ट्वेल्व का ऑब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। मान लो किसी पेशेंट का इलियोस्टोमी या ईलियम वाले पार्ट को हटा दिया, तो क्या होगा, तो पेशेंट के अंदर विटामिन बी ट्वेल्व का क्या नहीं होगा, ऑब्जॉर्प्शन
और विटामिन B12 का जब अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। परनीशियस एनीमिया इज ऑल्सो नॉन एज मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। और इसके अंदर पेशेंट का रेड बीफी टंग हो जाता है। एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है रेड बीफी टंग सीन इन, भारी लाल रंग की जीभ हो जाना किसके अंदर मिलता है, परनीशियस एनीमिया के अंदर। परनीशियस एनीमिया अपना कंप्लीट होता है। इसमें परनीशियस एनीमिया से काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, कौन से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से या इंट्रिंजिंग फैक्टर सीक्रेट बाय द पैराइटल सेल ऑफ द स्टमक। ठीक है, स्टमक की पैराइटल सेल इंट्रिंजिंग HCl और रेनिन। ठीक है, तो ये जो है इंट्रिंजिंग फैक्टर है वो इलियम वाले पार्ट पे जाता है और वहाँ पे किसका ऑब्जॉर्प्शन एसिड का फुल जग होता है, फुल जग। तो फोलिक एसिड का कहाँ पे होता है, जेजुनम में। एसिड का कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है भैया, जेजुनम में। तो ये ऐसे याद रख सकते हो आप। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ओमिप्राजोल। कौन सी होती है, ओमिप्राजोल, मोस्टली ओमिप्राजोल, PPI प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ना ऑक्सीपोडल हेडेक प्लस वोमिटिंग, ऑक्सीपोडल हेडेक प्लस वोमिटिंग, दैट इज द माइग्रेन। माइग्रेन के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस सोमाट्रिप्टॉन। कौन सी, सोमाट्रिप्टॉन। कौन सी, सोमाट्रिप्टॉन। देखिए फार्मा यहाँ से क्लियर हो जाएगी आपको, और पढ़ने की जरूरत नहीं है, फार्मा यहाँ से क्लियर हो जाएगी। ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीपिटल हेडेक विद वॉमिटिंग, तो सोमाट्रिप्टॉन, सोमाट्रिप्टॉन क्लियर है। सालबुटामोल ड्रग ऑफ चॉइस किसमें था, एक्यूट अस्थमा के अंदर, और क्रॉनिक अस्थमा के अंदर सालमेट्रोल। सुक्रेलफोर्ड क्या है, सुक्रेलफोर्ड और बिस्मथ क्लोइड दोनों क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट है। क्या है, अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट है, क्लियर है। द ड्रग ऑफ चॉइस इन द प्रोफाइल एक्सेस ऑफ क्लोरा, क्लोरा के प्रोफाइल एक्सेस के लिए कौन सी यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। अभी देखिए सेप्ट्रोक्सोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड विब्रिया। ठीक है, टाइफॉइड साल्मोनेला, टाइफॉइड होता है ड्यू टू द साल्मोनेला टाइफाई की वजह से होता है। और टाइफॉइड जो इंक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है, इसका रहता है 10 से 14 दिन। और इसके अंदर आपको टाइफॉइड के अंदर क्या क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है टाइफॉइड के अंदर। देखिए पहला रोजपोर्ट आप याद रख लेना, रोजपोर्ट टाइफॉइड के अंदर। ठीक है, रोजपोर्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है रोजपोर्ट। इंटेस्टाइन क्या है इसके, टाइफॉइड के। और पी शूप डायरिया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पी शूप डायरिया ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। टाइफॉइड मैं आपको कंप्लीट करवा देता हूँ आज। टाइफॉइड आप लिख लेना किसकी वजह से होता है, टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ठीक है, और इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन होता है, ये मैंने बता दिया। और साइन सिम्टम की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, साइन सिम्टम में मैंने पहले बता दिया था कि पी शूप डायरिया। पहला क्या लिखा, पी शूप डायरिया। दूसरा क्या लिखा अपने, रोज़पोर्ट दो वीक पे। और जबकि उसके बाद में मैंने बताया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन 3 वीक पे। और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में ब्रैडीकार्डिया और WBC आपको क्या मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी। और ये क्या होगा, इसके साइन सिम्टम। और टाइफॉइड के अंदर जो टेस्ट करते हैं वो करते हैं बासु टेस्ट करते हैं। बी से ब्लड टेस्ट, ए से एंटी सीरम टेस्ट, जिसको अपने बोलते हैं विडाल टेस्ट, क्या बोलते हैं विडाइल, और एस से स्टूल टेस्ट, और यू से यूरिन टेस्ट। तो ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक, क्लियर है। दोबारा ये आप बता देता हूँ भैया, BA बासु टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, एंटी सीरम टेस्ट जिसको अपने विडाल बोलते हैं, स्टूल टेस्ट, और लास्ट में कौन सा, यूरिन टेस्ट। ये फर्स्ट वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक पे करते हैं। प्रोफाइल एक्सेस के लिए टेट्रासाइक्लिन ड्रग देते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। नो UTI और नोसोकॉमियल मोस्ट कॉमन किसकी वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से होता है। तो यहाँ पे एसीरिया
कोलेरा कॉज करवाता है। कोलेरा के अंदर राइसवाइटेरी डायरिया, कोलेरा के अंदर राइसवाइटेरी डायरिया। कोलेरा इज कॉज बाय द विब्रियो कोलेरा, दो से पाँच दिन या फ्यू डेज बोलते हैं, ठीक है, फ्यू डेज टू फाइव डेज ये इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। कोलेरा के अंदर देखिए सी से याद रखना है चावल धोना। तो चावल धोना जैसे राइस वाइटेरी डायरिया हो जाएगा, जब जब चावल को धोगे बार बार, हाथ आपके कैसे हो जाएंगे, वाशरमैन हैंड हो जाएंगे। ये इसके मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है। 40 टाइम्स पर डे राइस वाइटेरी डायरिया, ठीक है। बैरेट्स इसोफेगस अल्सर ऑफ, बैरेट्स इसोफेगस किसका अल्सर है, बैरेट्स इसोफेगस देखिए दैट इज़ द इसोफेगस, और ये क्या है स्टमक, और यहाँ ये अपर पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस और अपर पार्ट ऑफ द स्टमक, यहाँ पे अल्सर हो जाना लोअर पार्ट वन थर्ड लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस अल्सर हो जाना, जिसको अपने क्या बोलते हैं बैरेट इसोफेगस, तो इसोफेगस का है, ठीक है। उसके बाद में आता है पार्किंसोनिज्म। नेक्स्ट देखिएगा अर्ली सिम्टम ऑफ पार्किंसोनिज्म का अर्ली सिम्टम क्या है, देखिए पार्किंसोनिज्म डीजनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन कम होता है, तो पेशेंट को ट्रेमर, रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेशिया और मास्क लाइक फेस हो जाता है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट को, सॉरी आपको, मास्क लाइक फेस। अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्लियर। अर्ली साइन क्या होता है पार्किंसोनिज्म का, अर्ली साइन होता है पार्किंसोनिज्म का ट्रेमर आते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर, ठीक है, पिल रोलिंग आते हैं और रेस्टिंग ट्रेमर आते हैं, याद रख लेना, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जाता है, रेस्टिंग ट्रेमर, पिल रोलिंग, मूवमेंट ट्रेमर्स, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोग्राफिया, बहुत छोटे छोटे लिखने लग जाता है पेशेंट, स्लर्ड स्पीच, ठीक है, ये सारे सिम्टम किसके हैं पार्किंसोनिज्म के, ठीक है, क्लियर। ड्रग ऑफ चॉइस स्वाइन फ्लू के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है टेमीफ्लू के अंदर दो आती है, सेल्टामावीर, ठीक है, ये आती है, तो इसके अंदर जो याद रख लेना स्वाइन फ्लू के अंदर ड्रग ऑफ टेमीफ्लू होती है, कौन सी होती है, टेमीफ्लू होती है। और हेपेटाइटिस सी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस रिबावेरिन, एंटेरिकावीर इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन हेपेटाइटिस बी, और जबकि एसाइक्लोवीर हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के अंदर एसाइक्लोवीर, ठीक है, याद रह जाएगा भाई, रिबावेरिन हेपेटाइटिस सी याद रखने के लिए सी फॉर चेस्ट में क्या होती है, रिब होती है, तो याद रख लेना आर से रिबावेरिन, ठीक है। एंटेरिकावीर इंटीरियर से इंटेस्टाइन, बी फॉर बॉवल, ठीक है, हेपेटाइटिस बी के अंदर, क्लियर है, याद रह जाएगा। और साइटोमेगली वायरस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जेन साइक्लोवायर ड्रग ऑफ चॉइस किसमें था, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट सेक्शन द ठेक इन द एमआई पे अभी तो बताया था, एमआई मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, कार्ड लैंड स्टिनर विनर आर एस फैक्टर डिस्कवर कार्ड लैंड स्टिनर विनर, क्लियर। नेक्स्ट विस्टा ब्लॉकर गिवन, ग्लूकोमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो कि बिटा ब्लॉकर अपने देते हैं टीमोलोल, ये बिटा ब्लॉकर होगी, पाइलोकार्पिन कॉलिनर्जिक ड्रग है, कौन सी है कॉलिनर्जिक, नाडालोल भी क्या है बिटा ब्लॉकर, हीमोग्लोबिन क्या है मेटल और प्रोटीन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन दो पार्ट हीम और सॉरी एक पार्ट रुकिएगा आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं हीमोग्लोबिन में एक तो कौन सा हो गया हीम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया
ग्लोबिन हो गया। ग्लोबिन में दो अल्फा और दो बीटा ग्लोबिन, ठीक है, ये हो गया। और हीम के अंदर एक तो क्या होगा, एफ पी प्लस टू आयरन मेटल वाला पार्ट, दूसरी होगी पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग के अंदर चार पायरोल रिंग होगी और ये क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मेटल वाला पार्ट हो गया अपना और ये प्रोटीन वाला पार्ट हो गया, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, मेटलो प्रोटीन। क्या बोल दूंगा, मेटलो प्रोटीन। और दूसरा मैं इसको क्या बोलूँगा, दूसरा मैं इसको बोलूँगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बिकॉज एच बी कैरी द ओ टू। एच बी क्या है, ओ टू को कैरी करता है। अभी काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं, एच बी जब ओ टू के साथ मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एच बी सी ओ टू के साथ मिलता है तो क्या बोलते हैं, एच बी सी ओ के साथ मिलता है तो क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्ब हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, कार्ब ऑक्सी और एच बी सी ओ टू के साथ कार्ब हीमोग्लोबिन। और कार्ब अमाइनो भी कहीं लिखा हुआ है, कार्ब अमाइनो भी लिखा हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। उसके अलावा एच बी सी ओ के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इमेच्योर आर बी सी कौन सी होती है, इमेच्योर आर बी सी होती है रेटिकुलोसाइट। कौन सी होती है, रेटिकुलो। आर बी सी का जो डेवलपमेंट होता है, आर बी सी का जो डेवलपमेंट होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट, और फिर क्या बनती है, इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या होती है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी होती है। आरबीसी का जो साइज होता है 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। आरबीसी का लाइफ स्पान एडल्ट के अंदर 120 दिन होता है, कितना होता है, 120 दिन होता है। और बाई कनकेव शेप की होती है, कैसी होती है, बाई कनकेव और डम्बल शेप की होती है, बाई कनकेव और डम्बल शेप की होती है, क्लियर है भैया। आरबीसी डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, सो स्प्लीन इज कॉल्ड एज ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोविंग ड्रग कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी ड्रग है जो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करती है, देखिए टाइफॉइड के अंदर जो टाइफॉइड है उसके अंदर पहले चलती थी क्लोरमफेनिकोल चलती थी और इसका साइड इफेक्ट ग्रे बेबी, फिर आ गई अपने सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये भी काम करना बंद कर गई थी। उसके बाद में जो ड्रग चली वो चली थी सेफ्ट्रियोक्सोन। कौन सी चली थी, सेफ्ट्रियोक्सोन। कौन सी चली थी, सेफ्ट्रियोक्सोन। बाद में कौन सी चली थी, सेफ्ट्रियोक्सोन। कौन सी, सेफ्ट्रियोक्सोन, डीओसी अभी ये चल रहा है, डीओसी सेफ्ट्रियोक्सोन, ये स्पेलोसपोरिन ग्रुप के सारे ड्रग। तो यहाँ पे ड्रग ऑफ किसका, कौन सी ड्रग ग्रे बेबी सिंड्रोम करती है, क्लोरमफेनिकोल। कौन सी करती है, क्लोरमफेनिकोल, याद रह जाएगा। सोडियम पॉलीएस्ट्रोन सल्फेट, कायाजाइलेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। देखिए एंटीडोट ऑफ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए क्या क्या देते हैं, ये बात बताता हूँ मैं आपको। हाइपरकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए पहला कैल्शियम ग्लूकोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा इंसुलिन प्लस डेक्स्ट्रोज, लास्ट क्या है, लास्ट में आप रियलिटी जो ट्रीटमेंट रहेगा वो रहेगा कायाजाइलेट। कौन सा कायाजाइलेट, देखिए जिनका पहले पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह से इसको कैच कर पाएंगे, नए स्टूडेंट के लिए थोड़ा कैच करना बहुत मुश्किल है। कॉमेडियन थ्री पी चल रही है, कॉमेडियन का मतलब क्या चल रही है भाई, वारफेरिन चल रही है। और वारफेरिन के अंदर एंटीडोट क्या यूज़ करेंगे भाई, बेड साइड क्या रखना है आपको, ये एग्जामिनर अब पूछेगा, विटामिन के रखना है भाई, क्या रखना है, विटामिन के। B6 किसके साथ देते हैं, INH के साथ, अभी बताया था मैंने, INH के साथ देते हैं, आइसोनियाजाइड के साथ, और लिवोडोपा के साथ मे भी नहीं देते, चेक कर लेना आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करना कि लिवोडोपा के साथ में कौन सा विटामिन नहीं देते हैं, ये मेरे को बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोस्टेटिक एटीटी कौन सी है, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर दो आदि है, फर्स्ट लाइन एटीटी और सेकेंड लाइन एच आर जेड डी एस। यहाँ पे ये होगी आपकी आइसोनियाजाइड, ये होगी रिफाम्पिसिन, ये होगी पायराजिनामाइड, ये होगी इथाम्बुटोल, ये होगी स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। तो इथाम्बुटोल जो होती है वो स्टेटिक होती है और बाकी सारी क्या होती है, सैडल होती है, ठीक है, ग्रोथ को रोकती है और बाकी किल करती है बैक्टीरिया को। ड्रग ऑफ चॉइस एमआरएस से मैथिसलिन, एमआरएस
है, तो कौन सी होगी एमआरएससी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, कौन सी होगी एमआरएससी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी, बताइए जल्दी से एमआरएससी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी। देखिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आता है, तो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा वैनकोमाइसिन, कौन सा रहेगा वैनकोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस रहेगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। लिंजोलिड जो देते हैं वीआरएससी के अंदर देते हैं, वीआरएससी मतलब किसका, वैनकोमाइसिन की रेजिस्टेंस हो जाए तो। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मान लो किसी को वुंड इन्फेक्शन हुआ, वुंड इन्फेक्शन है, उसको हील करने के लिए आपने क्लॉक्सासिलिन दी, क्या दी क्लॉक्सासिलिन प्लस विटामिन सी दिया, उससे भी सही नहीं हुआ, 7 दिन दिया आपने सही नहीं हुआ, तो फिर आपने क्या दे दी स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन दे दी, स्ट्रॉन्गेस्ट पेनिसिलिन कौन सी होती है मेथिसिलिन, याद आता एग्जामिनर पूछेगा आपसे मेथिसिलिन, मेथिसिलिन दे दी, इसकी रेजिस्टेंस होगी, तो उसको आपने क्या बोल दिया एमआरएससी, क्या बोल दिया एमआरएससी, एमआरएससी के अंदर वैनकोमाइसिन, और वैनकोमाइसिन को स्लोली स्लोली देते हैं भाई, यदि फास्ट दे दिया तो फास्ट दे दिया तो क्या हो जाएगा रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेडमैन सिंड्रोम हो जाएगा। अब क्या होता है वैनकोमाइसिन भी काम नहीं गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, जब वैनकोमाइसिन भी काम नहीं करी पेशेंट को क्या हो जाएगा वीआरएससी, और वीआरएससी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिंजोलिड, कौन सी होती है लिंजोलिड, फोटोसेंसिटिविटी ड्रग है, इसको एक पेपर के अंदर रखते हैं। देख लिया, अभी बताया था कि विच ड्रग कोज रेडमैन सिंड्रोम, फास्ट इन्फ्यूजन से होती है, कौन सी ऐसी होती है वैनकोमाइसिन से रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है, क्लियर। वीआरएससी के अंदर अभी पूछा था मैंने, वीआरएससी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, कैपिटिस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस ग्रुसियोफिलविन, कौन सी ग्रुसियोफिलविन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ग्रुसियोफिलविन। गोल्ड साल्ट अर्थराइटिस के अंदर यूज करते हैं, गोल्ड साल्ट आप अर्थराइटिस के अंदर यूज करते हो, ग्रुसियोफिलविन जेंटामाइसिन अमिकामाइसिन, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड की ग्रुप की ड्रग है, अमाइनोग्लाइकोसाइड जेंटामाइसिन अमिकामाइसिन। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सारी क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की है। ड्रग ऑफ चॉइस इन एपिलेप्सी वुमेन विद प्रेग्नेंट लेडी है और एपिलेप्सी आ रही है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी फिनोबार्बिटोन, कौन सी फिनोबार्बिटोन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द वुमेन विद एपिलेप्सी, प्रेग्नेंट वुमेन विद एपिलेप्सी। ठीक है, फिनोबार्बिटोन। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस पार्किंसोनिज्म डिजीज, पार्किंसोनिज्म के अंदर ड्रग ऑफ कार्बिडोपा प्लस लिवेडोपा, याद है कार्बिडोपा प्लस लिवेडोपा। नेक्स्ट द एंटीडोट ऑफ बेंजाथिन पेनिसिलिन का एंटीडोट क्या है, बेंजाथिन पेनिसिलिन का एंटीडोट क्या है। देखो बेंजोडाइजेपाइन, ठीक है, फुल मज़े नील, ठीक है, पाइन पियो पीना, फुल मज़े से पीना, तो कौन सी होगी फ्लूमाजेनिल। ठीक है, एंटीडोट ऑफ बेंजोडाइजेपाइन कौन सी होगी फ्लूमाजेनिन, याद रख लोगे भाई। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ऑफ द ओपियोइड ड्रग एक्सेप्ट, ओपियोइड ड्रग का साइड इफेक्ट, ओपियोइड्स मॉर्फिन की बात कर लेते हैं अपने, तो उसका साइड इफेक्ट कौन सा नहीं है अभी बताता हूँ। साइड इफेक्ट याद रखने के लिए ओपियोइड्स के साइड इफेक्ट याद रखने के लिए आपको याद रखना है सैक्रम, क्या याद रखना है सैक्रम, होती है ये तो आपको पता ही है, एक्शन भी बता रहा हूँ साथ साथ में इसका, और ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर देती है, क्या कर देती है कॉन्स्टिपेशन, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मॉर्फिन चल रही है 24/7 आपको रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट पेशेंट के पास में रखने हैं, यूफोरिया और एम से मायोसिस प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है मॉर्फिन, पिन पॉइंटिंग प्यूपिल मॉर्फिन की वजह से। देखिए साइड इफेक्ट बता रहा था ओपियोइड्स के, तो क्या बताया था मैंने सैक्रम बताया था, सैक्रम में आपको क्या याद रखना है, सैक्रम में आपको सिडेशन, ए से एनाल्जेसिक, सी से कॉन्स्टिपेशन, आर से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, और एग्जामिनर पूछेगा कि मॉर्फिन जरूरी है तो क्या क्या आपको रखना है रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट आपको पास में रखने हैं, यूफोरिया एम से क्या है मियोसिस, ठीक है, तो ये प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है,
और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नहीं है वो देखते हैं। ये देखिएगा मियोसिस है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, और ये नहीं होता, मिड्रियासिस नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। आयरन शुड बी गिवन विद, आयरन किसके साथ में देते हैं? पहला लिखा ऑरेंज जूस, दूसरा मिल्क, तीसरा वाटर, वाटर ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस किसके साथ? ऑरेंज जूस और प्लस वाटर। ध्यान रख लेना, आप वाटर के साथ भी दे सकते हो और ऑरेंज जूस के भी साथ। आयरन को मिल्क के साथ में नहीं देते भाई, आयरन को मिल्क के साथ में नहीं देते, क्लियर कर लेना, आयरन को मिल्क के साथ में नहीं देते। वाटर के पानी के साथ आयरन दे देना, चाहे आप ऑरेंज जूस के स्ट्रॉ के साथ में दे देना, क्लियर है। ड्रग ऑफ चॉइस रिमेटिक फीवर, रिमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? रिमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिमेटिक फीवर के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस तो बेंजाथीन पेनिसिलिन, कौन सा? बेंजाथीन पेनिसिलिन, बेंजाथीन पेनिसिलिन। पैलेडम की वजह से होता है सिफिलिस, किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनोमा पैलेडम की वजह से होता है सिफिलिस का इंक्यूबेशन पीरियड 9 से 90 दिन। गुमा लाटा सानक्रे साइंस सिम्टम क्या होते हैं? गुमा लाटा शानक्रे दैट इज द साइंस सिम्टम ऑफ द सिफिलिस, क्लियर। ड्रग ऑफ चॉइस सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है मैनिटोल, कौन सी होती है? मैनिटोल, याद रख लेना, ड्रग ऑफ चॉइस मैनिटोल होती है। ICF को ECF में बांट देती है मैनिटोल, और भाई ECF ज़्यादा होगा और ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। सेरेब्रल एडिमा को ट्रीट करने के लिए क्या देते हैं? मैनिटोल देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, इपिशन ऑन द लिथियम थेरेपी विच शुड बी प्रिस्क्राइब टू द क्लाइंट। देखिए गिवन विद लिथियम, लिथियम के साथ में पेशेंट को, ए पेशेंट ऑन द लिथियम थेरेपी विच इज द फ्लोइंग शुड बी गिवन विद लिथियम, क्या देंगे लिथियम के साथ में? मैंने बताया था लिथियम जो है वो यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है कि नहीं है? डायरेटिक तो आप दे नहीं सकते, फिरोसेमाइड तो आप दे नहीं सकते, ये तो क्लियर है। टोरसेमाइड भी, ये भी डायरेटिक है, ये भी डायरेटिक है, तो आप क्या देंगे? NS नॉर्मल सलाइन भाई, नॉर्मल सलाइन देना है आपको पेशेंट को, क्या देना है? नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल सलाइन दे, डायरेटिक अवॉइड करनी है, क्लियर है भाई। एग्जामिनर पूछेगा आपसे ड्रग ऑफ जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रिमेटिक अर्थराइटिस, रिमेटिक अर्थराइटिस, और देखो दोनों क्लियर कर दिए मैंने। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मैथो ट्रैक्सेड, ये अकॉर्डिंग टू डायलेशन होता है 50 mg/m² के अनुसार से होती है, आप चेक कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। ये मेरे को बताना फिर कमेंट बॉक्स में आप, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखिए आपको जितना मिले बेटर है, और आप रेगुलर पढ़ें भाई, ठीक है। एक्यूरेसी की बात है, जो एक बात बता दूं मैं आपको, जो एग्ज़ाम में माना लगे कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, या बोल दो आप आवाज़ सही नहीं है, तो आप मेरे को बता देना ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट करूं, आपसे मेरे को सीखने को मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। एक टॉपिक प्रेगनेंसी देखिए, आपको यहाँ पे लगभग 1000-2000 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, और वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, और आपको कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे आपको याद रखना है, ये मैं सारा आपको बता देता हूँ। ड्रग ऑफ चॉइस इक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मैथोट्रैक्सेड होती है, कौन सी होती है? मैथोट्रैक्सेड होती है, मैंने बता दिया था मैथोट्रैक्सेड। और रिमेटिक अर्थराइटिस के अंदर भी मैथोट्रैक्सेड, रिमेटिक अर्थराइटिस के अंदर डमार ट्रीटमेंट चलता है, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रिमेडोइड ड्रग चलती है डमार ट्रीटमेंट, ठीक है। एप्स्टीन बार वायरस कॉज करता है बर्किट्स लिम्फोमा कॉज करता है, याद रख लेना, बर्किट्स लिम्फोमा कॉज, जेनाइटल वार्ड HPV की वजह से। मल्टीपल माइलोमा, इट इज़ अ कैंसर ऑफ बोन विद इन प्लाज्मा, प्लाज्मा का कैंसर और इन्वेड इन टू द बोन, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल माइलोमा एग्जामिनर पूछेंगे, मल्टीपल माइलोमा के अंदर कौन सी प्रोटीन? बैंस जोन्स प्रोटीन, कौन सी? बैंस जोन्स प्रोटीन। और इसके अलावा पेशेंट के अंदर
क्या हो जाता है मल्टीपल माइलोमा के अंदर, हाइपरकेलीमिया। आपको याद रखने के लिए क्रैब याद रखना है, दैट इज़ द साइन सिम्टम ऑफ मल्टीपल माइलोमा, केस सी से। देखिए क्रैब से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या होगा, क्रैब याद रखना है आपको। तो यहाँ पे रिनल फेलियर, क्या रिनल फेलियर, कैल्शियम लेवल इंक्रीज, ठीक है, और एनीमिया और बोन पेन, ये क्या है इसके साइन सिम्टम। कैल्शियम ज़्यादा तो पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी, मल्टीपल माइलोमा के अंदर पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी क्या रहेगा, इंक्रीज फ्लूड इंटेक, इंक्रीज फ्लूड इंटेक, क्लियर है। सर्वाइकल कैंसर के किसकी वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। कौन सा, पेप्समियर टेस्ट करते हैं स्क्रीनिंग के लिए, कौन सा टेस्ट करते हैं, पेप्समियर टेस्ट करते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पेशेंट इज लॉन्ग टर्म क्लोपिडोग्रा, क्लोपिडोग्रा चल रहा है तो क्लोपिडोग्रा एंटीप्लेट ले रहा है, तो बीपी चेक करना है आपको, ठीक है। ये भी रिपीट है, ड्रग ऑफ चॉइस अल्कोहल विड्रावल सिम्टम को, देखिए पहले आवाज़ नहीं आई थी पिछली बार इसमें, तो मैं बता देता हूँ अल्कोहल विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए लिब्रियम देते हैं। अल्कोहल विड्रावल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए लिब्रियम को क्लोरोडाइजेसिपाइड भी बोलते हैं, ठीक है। और जबकि अल्कोहल विड्रावल को ट्रीट करने के लिए डाइसल्फ्राम और अल्कोहल को, अल्कोहल के अंदर एवर्जन थेरेपी भी चलती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जो पूछा है मैंने ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है, नेगेटिव थेरेपी ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीट अल्कोहल विड्रावल सिम्टम लिब्रियम, ठीक है। ग्लेक्टोरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस ग्लेक्टोरिया, ग्लेक्टोरिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसको इनिबिट करने के लिए, डोपामिन एगोनिस्ट देंगे। डोपामिन एगोनिस्ट कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन, कौन सी है, ब्रोमोक्रिप्टिन है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा बीटा मेथासोन लंग मैच्योर के लिए, आपको पता ही है लंग मैच्योर के लिए देते हैं बीटा मेथासोन। ब्रोमहेक्सीन, ब्रोमहेक्सीन ये जो आपका कफ सिरप आती है उसके अंदर आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट रोजुवास्टाडिन, रोजुवास्टाडिन और अटोरवास्टाडिन। तो यहाँ पे देख लो रोजुवास्टाडिन और अटोरवास्टाडिन कहाँ लिखा हुआ है, रोजुवास्टाडिन लिखा हुआ है, दैट इज़ द राइट आंसर। एमियाडोरन पोटेशियम ब्लॉकर, एमियाडोरन पोटेशियम ब्लॉकर, एटिनोलोल हो गया आपको बता दिया, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर, ये डायरेटिक्स है। डायरेटिक्स कौन कौन सी होती है, डायरेटिक्स ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डायरेटिक, क्लियर। नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन द मेनिया, मेनिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम का नॉर्मल लेवल 0.621.2 मिलीक्विलेंट पर लीटर, ठीक है, ये मैंने बता दिया था आपको। ड्रग ऑफ चॉइस एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, एपी नेफ्रिन, कौन सी होती है, एपिनेफ्रिन, इज ऑल्सो नोन एज एड्रेनलिन, क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन, कहाँ से सिगरेट होता है, एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला, फियोक्रोम सेल, कौन सी सेल, फियोक्रोम सेल, एड्रेनल मेडुला में अंदर फियोक्रोम सेल सिगरेट करती है एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन नॉर एड्रेनलिन, क्लियर। जेनिटल वार्ड किसकी वजह, एचपीवी की वजह से, सेम क्वेश्चन, एचपीवी की वजह से। लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल सार्टोरियस, सार्टोरियस इज द लॉन्गेस्ट मसल, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियन मैक्सिमम, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियन मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट। इसी तरह से वैगस नर्व, वैगस नर्व लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट, ट्राइजेमिनल ये लार्जेस्ट है, ट्राइजेमिनल लार्जेस्ट है, और ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, क्या है, लॉन्गेस्ट है। नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड 7.35 to 7.45, दैट इज द पीएच ऑफ ब्लड। द ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अबाउट 6 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, 6 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का कितना होता है, 6 to 8% होता है, क्लियर। सो यहाँ पे 7.35 to 7.45। नेक्स्ट वी स्टार्ट द एच वी कम, O2 अभी बताया था, ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbCO2, कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, और HbCO कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अभी क्या पूछ रहा है, कार्ब हीमोग्लोबिन, क्या पूछ रहा है, कार्ब हीमोग्लोबिन, क्लियर है। कार्ब हीमोग्लोबिन इज द राइट आंसर।
बी इज़ द राइट आंसर। प्रीकर्सर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट किससे बनती है, प्लेटलेट किससे बनती है भाई, प्लेटलेट मेगाग्लियोसाइट से बनती है, मेगाग्लियोसाइट से। ये सारा मैं बताऊंगा आपको, ब्लड सेल कैसे बनती है तो उसका लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपको बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ये मैटर बहुत डीपली जाना पड़ता है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट इन द बोन मैरो, बोन मैरो देयर सेल टू टाइप, माइलोइड और लिम्फोइड, लिम्फोइड सेल्स एंड माइलोइड सेल, लिम्फोइड एंड माइलोइड सेल दो प्रकार की सेल बनाती है, माइलोइड और लिम्फोइड। लिम्फोइड टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट बना देगी, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। माइलोइड क्लोनीफॉर्मिक यूनिट ई, एम और जी एम बनाती है। ई है जो प्री रिथ्रोब्लास्ट से रिथ्रोसाइट मेगाकैरियोसाइट, और जी एम से माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट, दोनों से क्या बनेगा, ईओसिनोफिल्स बनेगी, ईओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ग्रैनुलोसाइट जो बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट और ए ग्रैनुलोसाइट, ए ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, और जबकि ग्रैनुलोसाइट ईओसिनोफिल बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। लार्जेस्ट जो लाइफ स्पैन होता है बेसोफिल्स का, और लार्जेस्ट जो होती है डब्ल्यूबीसी वो कौन सी होती है, लार्जेस्ट होती है मोनोसाइट, ठीक है, मोटी, एम फॉर मोनो, मोनो मोटी, लिम्फोसाइट स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये आप याद रख सकते हो भाई। और शू शेप न्यूक्लियस सीन इन मोनोसाइट, ओवल शेप लिम्फोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, टी लिम्फोसाइट्स आर, टी लिम्फोसाइट्स क्या है, देखिए दो प्रकार की लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, और जबकि टी लिम्फोसाइट को सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लो आप, टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट क्या है, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ठीक है कि नहीं बताओ, सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी है, क्लियर है। इन द वायरल इन्फेक्शन विद द फ्लोइंग ब्लड सेल इनक्रीज, वायरल इन्फेक्शन के अंदर कौन सी ब्लड सेल इनक्रीज होती है भाई, ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इंक्रीज़ होता है। तो आपको पहले तो डब्ल्यू बी सी दो प्रकार की, ग्रेनुलोसाइट न्यूट्रो, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ग्रेनुलोसाइट मोनो और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब देखो, ईओसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन के अंदर बड़ी हुई मिलती है, याद रख लेना, जो रिनाइटिस हो गया, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन, अस्थमा हो गया, उनके अंदर आपको बेसोफिल्स, वुंड हीलिंग हो रही हो ना वहाँ पे, वुंड हीलिंग हो रही हो वहाँ पे बेसोफिल आएगी। न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म, न्यूट्रोफिल्स आपको कहाँ पे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के अंदर आपको बड़ी हुई मिलती है, बैक्टीरियल बीएफ, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के अंदर बड़ी हुई मिलती है। और लिम्फोसाइट्स आपको कहाँ पे बड़ी हुई मिलती है, लिम्फोसाइट आपको कहाँ पे बड़ी हुई मिलती है, वायरल इन्फेक्शन कैंसर के अंदर आपको बड़ी हुई मिलती है, तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताओ, वायरल इन्फेक्शन के अंदर लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट मैक्रोफेजेस की तरह काम करती है, ये सीनोबिल मैंने बता ही दिया आपको। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्ट इनटू द फाइब्रिन बाय द, अभी तो बताया था ना मैंने, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, क्या थ्रोम्बिन को, सॉरी वहाँ पर मैंने थ्रोम्बिन बताया होगा आपको, याद आ रहा हो तो हिपेरिन थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, याद रख लेना, हिपेरिन थ्रोम्बिन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो थ्रोम्बिन और कैल्शियम दोनों कन्वर्ट करवाते हैं फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में। देखिए मैं बताता हूँ आपको, प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्ट इन द थ्रोम्बिन बाय द प्रोथ्रोम्बिनेज। अब देखिएगा, फाइब्रिनोजन इज कन्वर्ट इन टू द फाइब्रिन बाय द थ्रोम्बिन, भारी लाल जीव कहाँ पे, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक है कि नहीं, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आपको मैंने बताया था कौन सा होता है, परनीशियस एनीमिया, अभी देख लेते हैं थोड़ा, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक परनीशियस एनीमिया, वेरी गुड। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अरे बोलो, मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, कौन सा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक ए प्लास्टिक एनीमिया, कौन सा, ए प्लास्टिक, यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। कुलिज एनीमिया, मेजर एनीमिया, मेजर थैलेसीमिया, सॉरी
कूलीज एनीमिया किसको, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया कौन सा होता है, कूलीज एनीमिया किसको बोलते हैं, मेजर थैलेसीमिया को बोलते हैं, ठीक है। एंटीडोट ऑफ द आयरन टॉक्सिटी का एंटीडोट क्या होता है, डेस्फ्रोक्सामाइन या डेफ्रोक्सामाइन, डेफ्रोक्सामाइन द आयरन टॉक्सिटी का क्या होता है, एंटीडोट होता है। डीपीवेफ्रिन क्या है, अब बताया था मैंने डीपीवेफ्रिन क्या है, बताया था ना, प्रोड्रग है भाई, थैलेसीमिया और ग्लूकोमा के अंदर देते हैं। डीपेनिसिलामाइन, डीपेनिसिलामाइन ये भी एंटीडोट है। और डेस्फ्रोक्सामाइन, डेस्फ्रोक्सामाइन डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस याद आ रहा हो नाम, डायबिटीज डेस्फ्रोक्सामाइन, ठीक है, सेंट्रल डायबिटीज के अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर सेंट्रल डायबिटीज और नेफ्रोजेनिक सेंट्रल के अंदर डेस्फ्रोक्सामाइन देते हैं, ठीक है, नेफ्रोजेनिक के अंदर थायराइड देते हैं। विच एक्टिविटी शुड बी अवॉइड इन द हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्लॉटिंग फैक्टर, रॉयल डिजीज, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी से होती है, सिटी टाइम बढ़ा हुआ मिलता है, ये मैंने बता दिया था आपको। हीमोफीलिया तीन प्रकार के मोस्टली, कौन कौन से, ए बी सी मोस्ट कॉमन, ए और बी नाइन की कमी से, क्रिसमस की कमी से, ए आठवीं की वजह से, और सी ग्यारहवीं की कमी से, ठीक है। लेना पजल खेल लेना, लेकिन क्रिकेट मत खेलना, चोट लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच इज द फॉलोइंग थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, कौन सा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, अरे बोलो, यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। देखिए देखिए कुछ एक आपको बताता हूँ, आपको पॉइंट्स याद रखना। एंटी प्लेटलेट्स होती है एक, एक एंटी कोगुलेंट्स होती है, और एक थ्रोम्बोलाइटिक होती है, थ्रोम्बस को तोड़ने वाली, जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, अल्टीकाइनेज, ठीक है, यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, अल्टीकाइनेज और एंटी कोगुलेंट दो ही होते हैं, हिपेरिन और वारफेरिन, ये मैंने बता दिए थे आपको। एंटी प्लेटलेट एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल होगी, ये क्या है, एंटी प्लेटलेट है। तो यहाँ पे आप आसानी से आप चूज़ कर सकते हो ऑप्शन, एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट, क्लोपिडोग्रेल एंटी प्लेटलेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज अभी बता दिया, स्ट्रेप्टोकाइन एमआई के अटैक के विद इन 60 आइडियल 6 आवर के अंदर देते हैं, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, ये ऑप्शन में ये नहीं है तो 12 घंटे कर देना, ठीक है। उसके बाद में हिपेरिन, हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट, ये क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, आरएच इनकम्प्लीट, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किसके लिए, आरएच इनकम्प्लीट के लिए, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट किसके लिए करते हैं, आरएच इनकम्प्लीट के लिए, और डायरेक्ट कुम टेस्ट किसके लिए करते हैं, हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए, हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए, हिमोलाइटिक एनीमिया के लिए डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं, याद रख लेना, दोनों कन्फ्यूजन है। आई आ रहा है यहाँ पे, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई आ रहा है तो इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, ठीक है। एच डी हिमोलाइटिक डायरेक्ट कुम टेस्ट, क्लियर है। ए क्लाइंट इज सब्जेक्ट अंडरगोइंग चेस्ट एक्सरे एंड कंफर्म द एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट, ट्यूब शुड बी हाउ मनी सेंटीमीटर अबव द करीना, करीना से कितने सेंटीमीटर अबव रहनी चाहिए, अरे बोलो कितने सेंटीमीटर अबव रहनी चाहिए, तो 1.5 टू 2 सेंटीमीटर अबव द करीना, करीना व्हाट इज द करीना, करीना देखिए ये ट्रेकिया, ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, लेफ्ट शॉर्टर, ठीक है, और वाइडर, ये होता है। अब ये देखिए जो यहाँ से डिवाइड हो रहे हैं ये दोनों, T5 के लेवल पे ट्रेकिया डिवाइड होती है, बाइफरकेट होती है, और यहाँ पे ये कौन सा एंगल है, करेना एंगल है, कौन सा एंगल है, करेना एंगल है, और यहाँ इस करेना एंगल से आपको कितना ऊपर रखना है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखना है, तो इसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर देख लो आप, इसमें ऑप्शन ये है, ये तो गलत है, दूसरा भी गलत है, ये भी गलत है, बी नंबर राइट है, कौन सा है, बी नंबर राइट है, क्लियर है भैया। एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा, अब कह देगा क्या कहेगा, वो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है पेशेंट के अंदर, क्या डाला है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है, क्या डाली है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली थी, अब एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दी, अब भाई इधर चली गई, इधर चली गई, एंडोट्रेकियल ट्यूब कौन सी, लेफ्ट ब्रोंकस की चली गई, तो साउंड किधर बंद हो जाएगा बताओ, इधर तो, इधर तो अब जा नहीं रही, ये जा नहीं रही, तो इधर तो साउंड तो बंद हो जाएगा, है कि नहीं है बताओ, इधर ये जाती रहेगी, इस पाइप के थ्रू आती रहेगी, साउंड आता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है, ये करवा देता हूं मैं, ये करवा देता हूं आपको। ए क्लाइंट इज अंडरगोइंग राइट निमेक्टोमी होगी व्हेन द टर्निंग द क्लाइंट द नर्व शुड बी प्लांट टू पोजिशन, पोजिशन कौन सी, राइट साइड देनी है और स्पाइन पोजिशन देनी है, ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125, ए नर्स ये एंटिसिपेट विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी जी
result in the client experience with prolonged severe asthma attack. अस्थमा का अटैक हो गया पेशेंट को, अस्थमा का अटैक हो गया तो कौन से जो है एबीजी एनालिसिस आपको नीचे लिख वेंटिलेट होगा तो क्या होगा, ओ2 का लेवल क्या होगा कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ2 क्या होगा कम होगा, और CO2 का लेवल क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है। जहाँ पे देखिए पीएच क्या होती है, विरकन अनुपात एक बटे CO2, जहाँ पे CO2 बढ़ रही है वहाँ पे पीएच क्या होगी कम होगी। तो यहाँ पे देखिएगा पीएच क्या हो रही है कम हो रही है, पीएच क्या हो रही है कम हो रही है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है और O2 का लेवल कम हो रहा है, तो ये क्या है अस्थमा के साइन सिम्टम देख लो, अस्थमा डिक्रीज इंक्रीज PaO2, डिक्रीज ये और डिक्रीज पीएच, सही है कि नहीं है, सही, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर है कि नहीं बता दो भाई, अभी चेक कर लेना क्योंकि ये जल्दबाजी में हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ पी एच विद कर्णमती एक बटे सी ओ टू, बस इतना याद रख लेना और कुछ नहीं होता। एच एच भी क्या होता है पी एच विद कर्णमती एक बटे एच आइन, जितने एच आइन बचेंगे पी एच उतनी क्या होगी कम होगी, ठीक है। अब सी ओ टू कम तो पी एच ज़्यादा, यहाँ पे सी ओ टू ज़्यादा तो पी एच कम, ठीक है। नेक्स्ट विच इज़ द फॉलोइंग द आइसोटोनिक फ्लूड है, भाई साहब ये क्वेश्चन आपको काफ़ी बार मिलेगा एग्जाम एग्जाम के अंदर, आइसोटोनिक फ्लूड कौन सा होता है जिसकी इसकी कंसंट्रेशन ऑस्मोलरिटी ऑस्मोलरिटी प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी के बराबर हो, प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी 270 से 300, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपने आइसोटोनिक फ्लूड कौन सा होता है, देखो एनएस आपको